वा तस्मै नमो अग्नविनाशाय तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यं तद्विष्णुः परमं पदम् समेषु वन्निवाका विवर शब्दजलाशनुकूपीवाश कहते हैं कल जो हमने श्रवण किया ना ऊंचाना नीचाना सब तो सब सुनने के बाद में हाँ ऐसी जगह पे बैठे जो धर्मशाला ना हो ऐसा जलाशय ना हो ऐसा नज़दीक कोई किनारा ना हो कोई नदी का जहाँ जलाशय का जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते जाते हों हल्ला गुल्ला होता हो इन सब से दूर ऐसी जगह पे बैठे जहाँ वायु शून्य अर्थात हवा का भी प्रवाह जो है ज़्यादा आना जाना नहीं होता हवा भी कम आती जाती है ऐसे स्थान पे बैठ करके पहले लगाए हुए पहले बताए हुए आसनों की तरह कहते हैं ब्रह्मणी योगे परमात्मा योग कर रहा है उस दर्शन देते हैं वो कैसे दर्शन हो ये निहारा धूमा अरका नीला अलना नाम अर्थात कोहरा धुआं सूर्य वायु अग्नि के सदृश जुगनू बिजली स्फटिक मणि चंद्रमा के सदृश बहुत से रूप उसको दिखाई देते हैं। मतलब ध्यान में बैठा है बैठे बैठे उसे साधक को ब्रह्म की प्राप्ति से पहले ये सब चीज़ें मतलब परब्रह्म का दर्शन होने से पहले ये सब चीज़ें होती हैं। परब्रह्म को यहाँ पे आप कुछ और मत समझिएगा जहाँ ब्रह्म शब्द जहाँ प्रयोग हो रहा है कुछ और मत समझिए सीधा सीधा भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं ही परब्रह्म हूँ आपसे लेके चले शुरुआत में ही उसे इस प्रकार से प्रकाश उसको दिखलाया बहुत ज्यादा प्रकाश आवाज ना करती हुई हवा का आवाज है ना करती हुई हवा की तरह शीतल हवा जो है वो ब्रह्म का अनुभव कराती है। कभी अग्नि के सदृश तेज दिखाई पड़ता है कभी जुगनू के समान उसे टिमटिमाहट जो है उसकी नजरों में आती है कभी सामने ऐसे इस प्रकार से बहुत कुछ उसके सामने दृष्टिगोचर होता है। कभी स्फटक मणि के सदृश उज्जवल रूप देखने लगता है कभी चंद्रमा की भांति शीतल प्रकाश जो है सर्वत्र फैल जाता है। ये अनेक प्रकार के दृश्य जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति की साधना करता है उसे दिखलाई देते हैं सामने उसके आते हैं। आगे कहते हैं पृथ्व्य तेजो अनिलखे समुत्थित्ते हटा लेता है अर्थात सम्यक रूप से इससे उठता है तब क्या होता है भूतों के संबंध रखने वाली जितनी भी
जरूरतें उनसे जब हट जाता है तब पांचों प्रकार की सिद्धियां प्रकार। उस समय योग अग्नि को प्राप्त करने लेने योगी के शरीर में ना है ना बुढ़ापा ना ही उसकी मृत्यु होती है, वो अगर चाहे तो इसी प्रकार से अनंत काल तक रह सकता है सशरीर। उदाहरण कोई प्रमाण कोई स्मरण है आपको? हाँ जी लोमस ऋषि हुए, जहाँ सनक सनातन सनत कुमार नारद जी ब्रह्मा जी ये जो ऋषिगण है सप्त ऋषिगण जो हैं ये लोगों का शरीर जो है सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गया? एक बार आपको याद होगा ये बात मैंने बोली थी, ऐसा होता है तो कैसे हुए वो भगवान के पार्षद होने की वजह से ऐसे। सनत कुमार ने भी साधना की है, जन्म होते ही वो साधना में लग गए, हजार दक्ष वो सारे सबको साध्य साधन से ही उनको जो है साध्य वस्तु अर्थ तप लोक ये सब प्राप्त महालोक जो साधना करने पर ही होता होता है। जैसे दुर्वासा ऋषि हैं वो देखो तो सतयुग में भी दिखाई दे रहे हैं, द्वापर में भी, क्या मतलब है? कैसे होता है सब कुछ? इसका सिंपल सा एक सिद्धांत समझने के लिए है, साधना कर रहा है, साधन करते 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 जिस भी उम्र जिस भी अवस्था जिस भी रूप की स्थिति में उसे भगवत साक्षात्कार होता है। वो साक्षात्कार होने के बाद वह समय वो स्थिति वो आकार स्थिर हो जाता है प्रकृति के पास में। किसके पास? प्रकृति के पास स्थिर। अगर वो चाहे वह जहां भी डोल सकता है आ सकता है जा सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि नहीं मेरे को शरीर नहीं रखना है इससे मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अगर वो ऐसा चाहता है तब अलग बात है। तो देखते हैं वही हमें स्वप्न में आते हैं, लेकिन इसके अलावा जिन ऋषियों को हमने देखा ही नहीं, जिन ऋषियों के बारे में पता ही नहीं है, उन ऋषियों का दर्शन होता है। पर जिद की थी गोकुल महावन में था मैं, तो उसमें पहले इस प्रकार साधना करता है तो उसको जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके दर्शन होते हैं। ठीक है मैं भी करूँगा, तो रात को जागने जागते वो पेड़ के नीचे बेल का पेड़ था, महाराज जी को बोल दिया था, कहते वहाँ सांप ऊप निकलते हैं, मैंने कहा काट लेगा मरेंगे और क्या, जाना तो है ही कुछ करके जाएं। तो वहाँ निश्चित लिखी हैं वो बहुत 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 ही सत्य हैं, पूर्ण सत्य हैं, मतलब इसमें कहीं कल्पना ही नहीं। उस वक्त जो वर्तमान में महा जो भी लोग थे में आ चुके थे कौन कौन महात्मा एक बड़ी प्रैक्टिकल अलावा आकाश मार्ग में विचरण करते हुए जो लोग हैं वो तो उसमें थोड़ी बुद्धि बचपने वाली थी, हो ऐसे कर दिया तो सब गायब हो गया, वो नहीं करना चाहिए। से लोलू
त्वं वर्णप्रसादं स्वरसोष्ठं च गन्धशुभो मूत्रपुरीशमल्पं योगप्रवृत्तिं प्रथमा वदन्ति। जो प्रथम योग सिद्धि का जो लक्षण है वो बतला रहे हैं, साधना का लक्षण है वो बतला रहे हैं। क्या है? भूतों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले उस महापुरुष में उनको कभी रोग नहीं होता, भौतिक पदार्थों में उनकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। कोई भी भौतिक पदार्थ सामने आने पर उनके मन इंद्रियां उसकी ओर आकर्षित नहीं होती, उनका शरीर का वर्ण उज्ज्वल हो जाता है, स्वर अत्यंत मधुर और स्पष्ट हो जाता है, शरीर में बहुत अच्छी अत्यंत मधुर और शरीर में से बहुत अच्छी गंध निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है। यहाँ तक कि मल और मूत्र भी बहुत स्वल्प मात्रा में होता है। मार्ग पे चलने वाले लोगों के सामने सबसे पहले उसके मंत्र सिद्धियों की अवस्था आती है। कल हम लोगों ने नित्य गोपाल दास वैष्णव सेवन से तो सब कुछ सर्व सिद्धि हो जाती है, वो बात भी इसमें है। देवी तथा कथिता प्रकाशन्ति महात्मना। लेकिन साक्षात प्रत्यक्ष करना चाहता है साधनाएं, जो साक्षात प्रत्यक्ष रूप से नहीं करना चाहता, सोचता है मैं जधर चल रहा हूँ गुरुदेव मेरे को लेके जा रहे हैं, जब ले जाना होगा ले जाएंगे, बस ऊपर सिद्धि जो बतलाई थी ना हमने, अष्ट सिद्धियां स्टार्टिंग में जो बतलाई थी याद है, उसमें एक है कि भाई हैं, हाँ वो थी वो भाग्य, भाग्य के ऊपर है जो है हो जाएगा, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी, आज नहीं तो कल सही। अहो अहो ओह कि पांच प्रकार का वो है, वो तुष्टि में है, तुष्टि में नहीं, पांच की जो अष्ट प्रकार की तुष्टि है उसके अंदर है, अष्ट प्रकार की तुष्टि। उपादान, काल और भाग्य, ये चार प्रकार की तुष्टि, विषय निवृत्ति की तुष्टि, ये तुष्टि है। तो भाग्य में संतुष्ट होने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, काल समय होएगा हो जाएगा, अपर मोने हो जानी है, भाग्य जॉब होनी है, समय से आनी है, हो जाना है, जो क्या करना बस ठीक। ऐसा भी होते हैं लोग जो तृप्त होते हैं, और एक होते हैं चतुर्थ व्यक्ति भाग्य रूप पर निर्भर किया परितृप्त हो, भाग्य में जब होना भी हम क्यों उसमें परेशान होते हैं, भाग्य की बात है। ऐसे लोग कई बार थोड़ा सा प्रमोद विनोद करने की इच्छा होती है कि ऐसे ही नहीं सीरियस बने रहो, आनंद भी लेना चाहिए। यम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्मतत्वम प्रसमीक्षय देहि
एकाकृतार्थो भवे भवते वीत शोक। जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्न मट्टी में लिप्त होने के कारण छिपा रहता है, अपने असली रूप में प्रकट नहीं होता, परंतु जब मट्टी आदि को हटाकर धो कर साफ करके उसको रख कर लिया जाता है तो असली रूप में चमकने लगता है। देखिए, ये सिद्धियां वगैरह वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। मैं आपको छोटी सी एक बात निवेदन करना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को ऐसा लगे कि ये अचानक से किस मार्ग क्या बात बोलने लग गए। ये सिद्धियां वगैरह कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं। तुच्छ मीन्स अति तुच्छ है। जब जीव उस अवस्था में, उस तटस्थ अवस्था में जिस तत्व को देखता है, वो तत्व को देखने मात्र तत्व उसके अधीन हो जाता है। ऐसे ही अपने तटस्थ अवस्था में तो पंच कर पाता है मन को अपने, मतलब सब कुछ उसके कुछ भी निर्माण कर धारित जगत, जो जगत को धारण करने का समर्थ रखता है वो है जीव। कुछ नहीं है, लोगों को बहकावे में लाने वाली बातें हैं। स्वरूप जागृत होने का मतलब जो खुल रही है, जैसे ही वो खुलेगी सारे सब कुछ उसके सामने होगा। वो कुछ भी तत्वों को कैसे भी हिला हुलो करके कुछ भी कर सकता है, नहीं समझे? शुद्ध अवस्था में जीव जैसा है, जहां पे उसका मन बुद्धि अहंकार का आवरण नहीं है, जहां पर मन बुद्धि अहंकार का आवरण नहीं है, इस अवस्था से जब भागू तो वो मन की वृत्ति और ज्यादा तीव्रता होती है, बुद्धि इतनी ज्यादा देखती है, अभिमान इतना ज्यादा प्रबल होता है कि वो क्षणों के अंदर वो बड़े 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 उल्का कर देते हैं। बात नहीं समझ आई ना, ऊपरों निकल गई हैं? क्या क्या बोल रहा हूं? किस अवस्था में? ना फिर रहने दो उसको, अगर तुम्हारा ध्यान उधर नहीं लग रहा तो जो बात बोल रहा हूं समझने वाली बात है। जीव आत्मा तटस्थ अवस्था मतलब इतनी शक्ति समर्थ है उसका, इतना शक्ति सामर्थ है जीवात्मा का तटस्थ अवस्था में, अंडरलाइन तटस्थ अवस्था है, जहां पर जीवात्मा का कोई भी स्वरूप भक्त अनुकूल स्वरूप केवल मात्र स्थित है में वो नहीं, तटस्थ अवस्था में ऐसा होता है। जब उस तटस्थ अवस्था में जीव के है तो उसके साथ साथ अभिमान, उसका अभिमान पैदा होता है, बुद्धि के बाद मन, ये सब जड़ अवस्था मतलब उसकी चैतन्य अवस्था को जड़ करते जाते हैं, समझे? नहीं, और जैसे उसको जड़ करते हैं वो बंध जाता है, और बंधने के बाद में वो फिर भी इतना इतनी ताकत रखता है, सूक्ष्म शरीर में ताकत होती है, सूक्ष्म शरीर जानते हैं ना, मन बुद्धि अहंकार का इतनी ताकत होती है कि उसकी स्पीड भी नहीं कोई समझ सकता। आप बताइए, अभी मन बैठे बैठे आप अमेरिका से 10 बार घूम करके 3 सेकंड के अंदर आ जाएंगे, इतनी स्पीड है आपके मन की, इतनी गति है,
सोचिए इतनी गति क्या कोई कल्पना कर सकता है खुद जाने के लिए आने के लिए। जी हाँ, अगर मन आता जाता है तो व्यक्ति की, व्यक्ति मीन्स आत्मा, आत्मा की गति उससे भी अधिक तेज है। एक आवरण में रहते हुए तत्व यदि ऐसे आता जाता है, आवरण के बिना उसकी गति कई भांति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह असंग हो जाता है, मतलब उस कुछ भी किसी भी तरह का मल नहीं है। सबसे बड़ा मल शरीर के, आत्मा के ऊपर किसका है? मैंने उसकी व्याख्या जो की थी वो ये तीन तरह के लेप, मन, बुद्धि और अहंकार। जड़ बुद्धि जो है, मन और जो अभिमान है वो पाषाण सदृश है। इनको जब तक साफ नहीं करते हम लोग, इनकी अगर क्लियरिटी नहीं होती, इनकी सफाई नहीं होती, इनको हटाया नहीं जाता, तब तक आत्मा का स्वयं रूप प्रकट नहीं होता। यही बात यहां पर एक अन्य रूप से कही है। क्या कहते हैं? अर्थात उसका जो जड़ पदार्थों के साथ संयोग हो रहा था, उसका नाश ना होने तक वो, मतलब उस तटस्थ अवस्था में पहुंचता है, तब उसके सब प्रकार के दुखों का अंत होकर सर्वथा कृत्य कृत्य हो जाता है, तब उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। आगे और है, मतलब ये यहां पे सार्थकता उसकी शुरू हो गई। आगे कहते हैं, तेन तू ब्रह्म दीपो मेने युक्त प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम गत्वा देवम मुच्यते सर्वपाशे। कहते हैं फिर जब वह साधक इसी स्थिति में दीपक के सदृश निर्मल प्रकाशमय, निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्मतत्व को, आत्मतत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व के द्वारा मतलब आत्मा के द्वारा ब्रह्म का दर्शन कर लेता है, अर्थात आत्मा का प्रत्यक्ष कर लेता है, तब उन जन्म आदि समस्त विकारों से रहित अचल और निश्चित तथा समस्त तत्वों से असंग सर्वथा विशुद्ध ब्रह्मदेव परमात्मा को तत्व से जानकर से जान लेता है, भगवान को कैसे जानता है? आत्म तत्व से। यहां दो तत्व हैं, आत्म तत्व से परमात्मा तत्व को जानना, जो ये बोलते हैं ना, बस एक ही है रब है, जो श्वेताश्वत्थ कर केवल मात्र। अरे मानते हैं कि जब आत्मा सब आवरणों से अलग होती है तो उसमें ऐसा समर्थ, ऐसी ऐसी उसकी, ऐसा उसका तेज होता है कि वो सूर्य के तेज के समान चमकती है, ऐसा उसके अंदर शक्ति होती है। आत्मा, आत्मा प्रत्येक आत्मा, कोई ऐसा सिद्ध आत्मा विद्धबद्ध आत्मा की बात नहीं कर रहे, प्रत्येक आत्मा जितनी भी आत्माएं हैं जब वो सारे आवरणों से मुक्त हो जाती है, अपना इतना तो सूरज का तेज भी तेज नहीं लगता, इतना उसका। फलाने का हर आत्मा की बात करो, मैं चींटी की आत्मा की बात कर रहा हूं। गल ठीक है, एक ग्रंथ की गल हो रही है, देखो आपको प्रमाण भी ना दे रहा कि देखो उस उस इस तरह का निर्लेप हो गया आते वो देखो आत्मा। प्रभु जी ये आत्मा की बात है,
समर्थ वो हमने खोया हुआ है। अब वो समर्थ वो जो हीरे से, तो उसके अंदर हीरे की स्वयं चमक है। हाँ ना, प्रयास मत नाम, प्रयास भगवान के नाम आश्रय करते हुए प्रयास। इसका मतलब भगवान की भगवत्ता का अमर प्रयास से भगवान को देख सकते, तब देख सकते भगवान की कृपा तो पूरी। नाम साथ में नाम आश्रय का अर्थ क्या होता है? नाम आश्रय का अर्थ क्या होता है? माध्यम से नहीं ना, आश्रय शक्तियां एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुई। मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं। मैंने इसलिए हाथ जोड़ के बोला था कि आपकी समझ में, फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं, ये मैंने ऐसे हाथ जोड़ के बोला था क्योंकि कथा में मैंने शायद इस प्रकार से निवेदन करके अभी तक नहीं पूछू, लेकिन आज मैंने इस बात को बोला। ये चीज समझ में नहीं आएगी कि प्रत्येक, देखिए एक बात समझ लीजिए, कहते क्लियर है, ब्रह्म जो के अंदर अंतर नहीं है लेकिन उसका अस्तित्व दिखलाई देता है अलग से जलबिंदु का। उदाहरण इतने जरूरत नहीं है, यहां पे जो आत्मा है कोई भी, मतलब जितना ये आत्माओं ने किया हुआ धारण, आत्माओं के समूह, कौन है आत्माओं का समूह? वो परमात्मा की जो प्रकाश, जो शक्ति है, जो आगे आने वाला है, वो श्लोक आने वाला है, वो जो प्रकाशमय शक्ति है उसने इसको धारण किया। इसमें उसको अलग से सामर्थ्य नहीं मिल रहा है, ये बात समझने वाली है, नहीं समझे? नहीं ठीक नहीं, आप कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। इसमें उसको अलग से सामर्थ्य नहीं मिला, केवल उसका समर्थ था उसमें। हाँ मैं अपनी शक्ति से ही, अपने प्रयास से आशा लेकर ना वहां तो वो दर्शन कहां हुआ है? आपने कहा कि दर्शन हो गया, मैं तो सिर्फ उसको ये अभी ब्रह्म तत्व को अभी अभी तो केवल तत्व को तत्व से पीछे आया तो था कि प्रकाश दे दिया उसने, अब वो कह रहे हैं इसको हटा लो मुझे अंदर का, वो अर्जुन बोलता है ना ना, वो इसको उपनिषद में आया नहीं था कि उन्होंने बोला था कि प्रकाश स्वरूप का आप ये पर्दा हटा लो जो ये यहां भी आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, ये तो एक साधक की साधना किसके ऊपर आधारित होती है? स्वयं के ऊपर। साधना किस लिए कर रहा होता है? भगवत प्राप्ति की। कौन सी साधना होती है? तो नाम का आश्रय करके, नाम प्रभु के चरणों में समर्पित होकर के, नाम प्रभु को जानने का प्रयास करते हुए, मेरे द्वारा सारा संग्रह, मैं इस वायु को यहां से वहां भेज सकता हूं, वहां मैं अपने रूप को प्रकट कर सकता हूं, अहम ब्रह्मस्मि, तभी तो उनके ब्रह्म भाव आता है। विभुत्व को भी जानने के बाद क्या बोलते हैं? विभुत्व को जानने के बाद जो अणु है अपने आप को उससे अभेद दृष्टि देखता है, कि मेरे में भी वो सेम वो प्रकाश है, उसमें मूल प्रकाश तत्व है,
सकता है को पूरी तरह समझें। ऊपर का ना आप ऊपर वाले में वही मत जाइए, ऊपर वाला खाना अभी इसमें भी उसे नाम आश्रय मंत्र होता है, मंत्र प्रणव को अपने आप करना पड़ता है तभी वो छूट सकता है, मुक्त हो सकता है। विभूत जो देखिए विभु को होता है, विभु को ध्यान दीजिए, विभु को जो हम उसकी जो डिग्री लगा रहे हैं ना वहाँ पे, जो हम उसकी जानने की जो एक सीमा बना रहे हैं वो विभु होने के दो अर्थ होते हैं। हो गया, हो गया ना, अभी वही उसी चीज को हम बोल रहे हैं, कृपया सुनने का प्रयास। न गलत की बात नहीं है, अब देता हूं कथा के अंदर तो हम स्वयं भगवान हैं, लेकिन मैं यहां यहां तक आज एक अलग बात बोलने जा रहा हूं, ना भी आश्रय किया हो, ना प्रणव का आश्रय किया हो, ना किसी का आश्रय करके अगर कोई प्राप्त करता है निर्वेद, जो जो उसके ऊपर आवरण है उनसे अलग हटता जाता है, अलग हटता जाता है, अलग हटता जाता है, शरीर की सारी सुविधाओं उनसे अलग होता जाता, तब भी अपना जो सामर्थ्य है उसके पंच तत्व है वो छोटा लगता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात आप कहना चाह रहा हूं वो सिद्ध है, कोशिश करिएगा, ठीक है। ये बात कही गई है ना, पांच तत्वों से श्रेष्ठ क्या है, शरीर कहा गया, इस पंच तत्व आत्मक शरीर से श्रेष्ठ क्या है, इंद्रियां, जी हां, ये पंच श्रेष्ठ क्या है, इंद्रियों से श्रेष्ठ क्या है, मन, मन से श्रेष्ठ क्या है, बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ क्या है, अहंकार, अहंकार मतलब स्वरूप भ्रम, और जब स्वरूप जागृति जो है वो अवस्था क्या, उससे श्रेष्ठ है। पंच तत्वों से जब श्रेष्ठ शरीर कहा, पांच तत्वों से श्रेष्ठ, पांच तत्व बाहर, उससे श्रेष्ठ शरीर कहा, क्यों कहा, क्योंकि वो पांच तत्व अलग अलग हैं, अलग अलग तत्व को अलग अलग रूप से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनको अलग अलग उठा करके एक जगह एकत्रित करके अलग प्रकट हो गया, वो उससे श्रेष्ठ हुआ। महाबाहो यदम यदम धारे जगत, शरीर
नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, इच्छा करने से क्रिया होती है। नहीं वो जो है वो अलग है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे श्लोक मेरा है निकाला, सातवें अध्याय का चौथा, और भूमि आप अनल अहंकार इति विभिन्न प्रकृति अष्टधा, ये आठ प्रकार की प्रकृति है, आठ प्रकार की प्रकृति, प्रकृति मतलब शक्ति भगवान की, जिसको कहते हैं अपरा, निकृष्टा, क्षुद्रा, मतलब उसके अधीन समझ में आया, परा प्रकृति के अधीन रहने वाली जो प्रकृति है उसे कहते हैं आठ प्रकार की प्रकृति, भूमि आप अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा, ये आठ प्रकार की प्रकृति, मन बुद्धि अहंकार और पांच तत्व, पांच तत्वों से बना हुआ सारा ब्रह्मांड, सारा जितना भी है, और इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म कृष्ट है, आग निकृष्ट है, आग जल निकृष्ट है, एक बार आग क्या हालत कर देती है, एक बार जल आए तो क्या कर देती है, तूफान आए तो क्या कर देती है। अरे हमने उस दिन पढ़ा था वो जो वायु और अग्नि उसका भी धुआं तिनका नहीं उठा पाए, है ना, वायु देवता तिनका नहीं उठा पाया, वो नहीं कर पाया। कहते हैं इतस् अपरेयम इतस्त्वय अन्या धीमे पराम महाबाहो यदम धार, मेरी एक ठाकुर जी महाराज ने अन्यथा वो आया है परा प्रकृति, जिसे परा है, परा मतलब श्रेष्ठा, परा का मतलब या परा का अर्थ क्या दिया इन्होंने, परम उत्कृष्ट निकृष्ट होता है, सिंपल है ना। तो ये किसके लिए बोल रहे हैं जी, किसके लिए बोल रहे हैं, जीव के लिए, भगवान के लिए नहीं, शक्ति के लिए बोल लो, शक्ति के तो वही तो बात हो रही है, दिख रही है, दिख रही, वो भिन्नता दिख रही है, मेरी इससे अलग प्रकृति है जिसको कहते हैं परा प्रकृति, जहाँ जिसको कहते हैं तटस्था शक्ति। वास्तविकता में जीव जो है भगवान की माया है जो है, जिसको हम लोग बलदेव कहते हैं, उस विश्वचक्रवर्ती कहते हैं कही गई बहिरंगा शक्ति जड़ होने के कारण अपरा अर्थात निकृष्टता, इससे अलग अवस्था शक्ति है, चेतन होने के कारण श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ इसलिए है कि यह चेतना के द्वारा इस जगत को धारण है, ऐसे कहना आसान है, जगत को धारण करने वाली जो शक्ति है उसका कल्पना का आगे देते, अर्थात अपने भोगों के लिए इस जगत को ग्रहण कर, इसको जो जिस तरीके से समझता है समझे ना, मैं अभी आगे चलूं, सिंपल सी बात है। तो यहां पे वो कह रहे हैं जो उसका मिट्टी हट जाती है,
जो हीरे से मिट्टी हट जाती तो उसका स्वरूप जागृत होता है, और स्वरूप जागृत होने के बाद में सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, छूट जाता है, और वह परमात्म तत्व को भी आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व को जानने वाला बन जाता है। आगे एक शब्द कहा है, इस मंत्र में आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व जानने की जो बात दिखलाई गई है, जो शब्द बोला गया है, उसका अर्थ ये है कि परमात्मा का साक्षात्कार मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। यहां जो भी परमात्मा के साक्षात्कार या उनके तत्व को जानने की बात, मन बुद्धि और इंद्रियों से बाहर की बात है। बताओ जी क्या अर्थ हुआ इसका जो लाइन सुनी अभी आपने? ध्यान ही नहीं दोगे तो क्या समझ? जो मन नहीं सकता वहां पर चुका है, प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या बैठे बैठे कि मैं इस वक्त अमेरिका में फलानी जगह पे खड़ा हूँ और यहाँ बैठा हुआ है, वहाँ पे वो खड़ा मिलता है और वहाँ पे वह अमुक व्यक्ति से मिलने जा रहा है और मिलता है वो, और सारी क्रियाओं को करके पुनः वापस आता है। इसे बोलते चित्त निर्माण क्रिया। ये संभव होता है। परम गुरु जी ने इस प्रकार से एक लीला करके दिखलाया था। सौरवी ऋषि ने 50 अपने रूप बनाए थे, 50 कन्याओं के साथ शादी की थी, और बस एक ही अंतर होता था कि इधर वाले को पहले, मूल वाले को भूख लगी। तो उस चित्त निर्माण में वो कुछ भी जो भी सोचेगा वो वाला बंदा खड़ा वो भी कर सकते हैं? वो नहीं करेगा, ये करेगा वहां पे। ना मतलब मैं यहाँ पे चित्र मान लीजिए चित्र निर्माण करके अमेरिका में चला गया, मेरे चित्त में मैं अपना ये निर्माण कर रहा हूँ कि मैं पर लगा के उड़ना शुरू हो गया, तो वो वहाँ पे ओरिजिनली उड़ना पर लगा के उड़ने की मतलब क्या बनता है भाई? जो जो चीज है प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल होगा ना, प्रैक्टिकली अपने स्वरूप का निर्माण कर सकता है। लेकिन नॉर्मली होता वही है, जैसा आप हो वैसा ही वहां प्रकट होता है, उतना ही सामर्थ्य होता है उसका। मतलब मोक्ष